हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज लॉकडाउन का 13वां दिन है और टाइम टेबल के हिसाब से बीए 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का पेपर का एक टॉपिक आज पढ़ाना है। इसके पहले बहुत सारे चीज हमने कंप्लीट भी किया है और एक दो टॉपिक्स और बचे थे, जिसमें कि एक आज का टॉपिक है, वो है मार्केट फेल्योर्स विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट भी है और आज के समय के हिसाब से रेलिवेंट भी है। तो लेट अस स्टार्ट एंड यू जस्ट लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन एंड आई विल सेंड यू ऑन योर मेल ऑल्सो। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। दिस इज मार्केट फेल्योर, पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज। सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक कि बाह्य प्रभाव किसे कहते हैं, बाह्य प्रभाव से मार्केट फेल्योर कैसे होता है और बाह्य प्रभाव में पर्यावरण को हम बाह्य प्रभाव के रूप में देखते हैं। और आज के दौर में अगर देखा जाए, रिसेंट जो कोविड-19 का दौर है इस समय, जिसमें कि हम लोग यहाँ घरों में बैठ के अध्ययन कर रहे हैं, वो भी एक अज्ञात डिजीज है जो कि इकोनॉमिक्स को या मार्केट को फेल कर चुका है। पूरी दुनिया में रिसेशन का दौर शुरू हो गया है, भारत भी उससे इम्पैक्ट होगा। तो ऐसा प्रभाव, ऐसे चीज का प्रभाव जिसके लिए मार्केट प्रिपेयर नहीं है, उसको हम लोग एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ द इकोनॉमिक्स ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज दिस द पेपर ऑफ फॉर द एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, सो यू शुड नोट व्हाट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ पॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक प्रोडक्शन कैन कॉज एनवायरमेंटल डैमेज, दिस इज जस्टिफाइड फैक्ट। माना जाता है कि जैसे जैसे विकास होगा, प्रोडक्शन होगा, इन्वायरमेंटल थोड़ा बहुत डैमेज होता रहेगा। एंड दिस ट्रेड ऑफ अराइजेस फॉर ऑल कंट्रीज, वेदर हाई इनकम और लो इनकम, एंड वेदर देयर इकोनॉमीज आर मार्केट ओरिएंटेड और कमांड ओरिएंटेड। सो दिस इज, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो ट्रेड ऑफ है, जो ये जो कहते हैं ना कि सामंजन्य है या दो विपरीत परिस्थितियों का मेल है, कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक तरफ आपको करना है, दूसरी तरफ इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, ऐसी परिस्थिति आप लगभग हर देशों में पाएंगे, वो चाहे विकसित हो चाहे विकासशील हो, चाहे वो रिच कंट्री हो चाहे पुअर कंट्री हो, चाहे वो मार्केट ओरिएंटेड हो चाहे वो कमांड ओरिएंटेड हो। तो हमारे सामने अमेरिका भी एग्जाम्पल है, हमारे सामने यूरोपियन कंट्रीज भी एग्जाम्पल है और हमारे सामने चाइना भी एग्जाम्पल है। हर जगह एक पॉल्यूशन को एक कॉज, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन को हम लोग प्रोडक्शन को हम लोग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का कॉज के रूप में देखते हैं। इसीलिए हम को इस पेपर में रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है। व्हाट इज एक्सटर्नलिटीज, जिसके बारे में हमको आपको बताना है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो यू स्टडी इन पब्लिक फाइनेंस पेपर एंड यू हैव टू ऑल्सो स्टडी इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पेपर। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड ए स्पिल ओवर। स्पिल ओवर मतलब छलकाओ, छलकता है एक किसी प्रक्रिया से, कोई छलक के कोई चीज गिरे जिसका कि लाभ तीसरा को उठा लो, इसको स्पिल ओवर बोलते हैं। दिस ऑकर्स व्हेन एन एक्सचेंज बिटवीन ए बायर एंड सेलर हैज एन इम्पैक्ट ऑन ए थर्ड पार्टी हु इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सचेंज, एंड एक्सटर्नलिटीज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी एक्सटर्नलिटीज का मतलब ये होता है कि हम मार्केट इकोनॉमी में जब देखते हैं तो देर आर बायर्स एंड देर आर सेलर्स, इन्हीं दो के बीच में बात हो रही है, लेकिन जब इनका, इन दोनों के एक्टिविटीज का जो इम्पैक्ट होता है वो किसी थर्ड पार्टी पर पड़ता है, उसके एक्सचेंज पर पड़ता है, तो उसको हम लोग उसका बाह्य प्रभाव बोलते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हम लोग देते हैं पब्लिक फाइनेंस में, चूंकि पब्लिक फाइनेंस में आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन आप देखते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव प्रभाव को देखते हैं, जैसे मान लीजिए एजुकेशन है, एजुकेशन के तमाम प्रावधानों के सरकार के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एजुकेशन देते हैं तो फीस लेते हैं, लेकिन सरकार अगर एजुकेशन देती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों को देती है। तो ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों को एजुकेशन मिलता है, जिससे गरीबों का भला होता है, एक सोसाइटी का ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, दिस इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। ओके, और व्हाट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव नेचुरली इज ए पार्ट ऑफ पॉल्यूशन। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, कि अगर कोई
आपके इलाके में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में, आपके घर के आसपास कोई इंडस्ट्री बना रहा है और उस इंडस्ट्री के स्मोक से, धुआं से आसपास के कॉलोनी का हेल्थ इम्पैक्ट होता है, तो दैट इज ए नेगेटिव एक्सटर्नल, उसका बाय प्रोडक्ट, जिसके में उस व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है, उसका कोई उस इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है, फिर भी उसका हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा है। तो आज का जो दौर है COVID-19, ये पैनेडेमिक का जो रूप लिया है, दिस इज ए नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज फॉर द होल वर्ल्ड, होल ह्यूमन कम्युनिटीज, जिसमें ये किसी का लेना देना नहीं है। पूरा दुनिया अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज से लगी हुई थी, लेकिन अचानक एक रोग आता है, एक वायरस आता है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, तो दिस इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ओके, तो व्हाट इज मार्केट फेल्योर देन? ये आपने माइक्रो में भी पढ़ा है, थ्योरी में भी पढ़ा है, इसको हम डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी ये बताना पड़ेगा आपको कि दिस इज अ सिचुएशन व्हेन द मार्केट डज नॉट एलोकेट रिसोर्सेज ऑन इट्स ओन एफिशिएंटली इन अ वे दैट बैलेंसेज सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, एंड एक्सटर्नलिटीज आर वन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेल्योर। तो मार्केट फेल्योर कब होता है? जब मार्केट के डिमांड सप्लाई से इतर किसी तीसरे प्रभाव से ये डिमांड और सप्लाई प्रभावित हो जाता है और एक तरह से मार्केट इकोनॉमी इम्पैक्टेड हो जाता है। सोशल कॉस्ट आर कॉस्ट दैट इंक्लूड बोथ द प्राइवेट कॉस्ट इनकर्ड बाई फर्म्स एंड ऑल्सो एडिशनल एक्सटर्नल कॉस्ट इनकर्ड बाई थर्ड पार्टीज आउटसाइड द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो दिस यू ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मेनी पेपर्स। सो मार्केट फेल्स टू प्रोड्यूस द राइट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, ये तब हो जाता है, और रिसोर्सेज में भी आइदर ओवर एलोकेटेड और अंडर एलोकेटेड। ऐसे में क्या होता है कि या तो अत्यधिक वितरण होता है या कम वितरण होता है, जिसकी वजह से मार्केट फेल हो जाता है। इसमें दो साइड होता है, ये थ्योरी का पार्ट है, ये हमारे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का नहीं, लेकिन हम कुछ जोड़ना है, आपको रिवाइज करवाना है। तो दिस इज अ डिमांड साइड फेल्योर एंड सप्लाई साइड फेल्योर। व्हाट इज डिमांड साइड फेल्योर्स? इम्पॉसिबल टू चार्ज कंज्यूमर्स व्हाट दे आर विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट, ये डिमांड साइड फेल हो गया। हम कंज्यूमर से वो नहीं चार्ज कर पाते हैं जो कंज्यूमर देना चाहता है, ऐसी अवस्था को हम डिमांड साइड फेल्योर की बात संज्ञा देते हैं। और सम कैन एंजॉय बेनिफिट विदाउट पेइंग, इससे क्या होता है, जैसे हमने एजुकेशन का एग्जांपल दिया था, बिना कोई पे किए वो इस अवस्था का लाभ उठा सकता है। व्हाट इज सप्लाई साइड? दिस इज ऑकर्स व्हेन फर्म डज नॉट पे द फुल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स आउटपुट। जब फर्म जो है पूरा लागत अपने आउटपुट का पूरा लागत नहीं लगा पाता है, नहीं पे कर पाता है, तो उसको हम लोग सप्लाई साइड फेल्योर कहते हैं। और एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द सप्लाई, दिस इज ऑल्सो ऑलरेडी यू हैव सीन और यू हैव स्टडीड इन द थ्योरी पार्ट। व्हाट इज एफिशिएंटली फंक्शनिंग मार्केट? कौन सा मार्केट एफिशिएंट होगा? हम सब जानते हैं, आपने BA में पढ़ा है कि डिमांड कर्व मस्ट रिफ्लेक्ट द कंज्यूमर्स फुल विलिंगनेस टू पे। डिमांड कर्व उसे कहते हैं जो रिफ्लेक्ट करता है, जो उसका डाउनवर्ड कर्व होता है, कि जो कंज्यूमर देना चाहता है उसकी हर अवस्था को रिफ्लेक्ट करता है, कंज्यूमर्स फुल विलिंगनेस टू पे। एंड सप्लाई कर्व क्या होता है, जो अपर साइड होता है, यस कर्व मस्ट रिफ्लेक्ट ऑल द कॉस्ट ऑफ, सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के लागत को वो डिनोट करता है। कंज्यूमर सरप्लस कहां होता है, कहां पर उपभोक्ताओं को आधिक्य के रूप में लाभान्वित होता दिखाई पड़ता है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर ए गुड एंड व्हाट द कंज्यूमर एक्चुअली पेस, जो जितना वो दे सकता था, देने के योग्य है, कैपेसिटी है उसके बाद, परचेसिंग पावर है, और एक्चुअली वो कितना पे कर रहा है, इस डिफरेंस को हम लोग कंज्यूमर सरप्लस के रूप में देखते हैं। एंड दिस इज एक्स्ट्रा बेनिफिट फ्रॉम पेइंग लेस देन द मैक्सिमम प्राइस। फायदा क्या होता है कंज्यूमर्स को, कि जो एक्स्ट्रा पे करना था उसको, उसकी जगह उसको कम में उसको कोई प्रोडक्ट मिल जाता है। यू जस्ट सी द ग्राफ, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? वाई एक्सिस इज ए प्राइस पर बैग एंड एक्स एक्सिस ए क्वांटिटी पर बैग, दिस इज प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज प्राइस इक्विलिब्रियम, दिस इज P1 इज ए प्राइस इक्विलिब्रियम एंड दिस इज ए कंज्यूमर सरप्लस।
ओके सो डिमांड कर्व में देखिए जहां इक्विलिब्रियम होता है P1 तक, वहां पर आके प्राइस इक्विलिब्रियम हो जाता है मार्केट इकोनॉमिक तक, तो उसके ऊपर जो आप ये देख रहे हैं यहाँ ये पॉइंट, यहाँ तक कंज्यूमर्स देने के लिए पे करने के लिए इच्छुक होता है, लेकिन एक्चुअली ही इज पेइंग P1 दैट दिस एरिया इज ए कंज्यूमर सरप्लस एरिया. सो डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर सरप्लस को जब बताएंगे तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस ए प्रोड्यूसर रिसीव्स एंड द मिनिमम प्राइस दे वुड एक्सेप्ट. इसमें भी समझ लीजिए दिस इज ए एक्स्ट्रा बेनिफिट फ्रॉम रिसीविंग ए हायर प्राइस. और इसको कैसे दिखाया जा सकता है, तो यू सी दिस इज ए प्राइस वाई एक्सेस, दिस इज ए क्वांटिटी एक्सेसिस, दिस इज ए सप्लाई कर्व एंड दिस इज ए Q1, दिस इज ए क्रूबियम प्राइस, P1 इज ए एक्चुअल प्राइस एंड वॉट इज प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस इज दिस P1 एरिया, ब्लू एरिया इज ए प्रोड्यूसर सरप्लस. तो यू कैन शो कंज्यूमर सरप्लस, यू कैन शो प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस टॉपिक. व्हाट इज एफिशिएंसी रिविजिटेड, अगेन यू सी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस डिमांड कर सप्लाई कर P1 एंड Q1, दिस इज P1, दिस इज प्रोड्यूसर सरप्लस, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस. जब पूरे पूरे एक ग्राफ में बताना होगा तो आप इस रूप में दिखा सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस को और प्रोड्यूसर सरप्लस को. लॉसेस क्या है, एफिशिएंसी ऑफ लॉसेस क्या हो, तो डिमांड और सप्लाई आप खींच लीजिए, अगेन वाई एक्सिस को डिनोट कर दीजिए क्वांटिटी और प्राइस से, ए और डी इज ए डिमांड कर्व, सी और एस इज ए सप्लाई कर्व, बी इज ए क्रूबियम प्राइस, यू कैन सी ई इज ए क्यू टू इज ए क्वांटिटी विच रिड्यूस्ड फ्रॉम एफिशिएंसी लॉस फ्रॉम अंडर प्रोडक्शन. जब अंडर प्रोडक्शन होगा तो देखिए क्वांटिटी कम हो जाएगा और जो ये वाला एरिया है इस एरिया को हम लोग एफिशिएंसी लॉस के रूप में दिखाएंगे. व्हाट इज एफिशिएंसी लॉसेस, अगेन यू कैन सी दिस इज ए एफिशिएंसी लॉस ऑफ मार्केट एंड दिस इज एफिशिएंसी लॉस ऑफ प्रोड्यूसर्स. यू सी प्रोडक्शन साइड क्वांटिटी बढ़ जाएगा और ये जो है एफिशिएंसी प्रोड्यूसर्स का लॉस हो जाएगा. सो उसके बाद से आपको जानना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट, दिस इज ऑल आर द टॉपिक ऑफ पब्लिक फाइनेंस आल्सो. तो व्हाट इज प्राइवेट गुड्स, दिस इज प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट बाय फर्म्स ऑफर्ड फॉर सेल. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइवलरी है और एक्सक्लूडेबिलिटी है इसके अंदर. पब्लिक गुड्स किसे कहते हैं, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफर्ड फॉर फ्री, जैसे हमने एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड फ्री राइडर प्रॉब्लम. इसमें होता है बहुत से लोगों को हमारे सब्सिडी के आधार पर वे फ्री राइडर के रूप में इकोनॉमी से लाभ लेते हैं, दिस इज पब्लिक गुड्स. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किसे कहते हैं, कॉस्ट इज ए रिसोर्सेज डिवाइडेड फ्रॉम प्राइवेट गुड प्रोडक्शन एंड दिस इज ए प्राइवेट गुड्स दैट विल नॉट बी प्रोड्यूस. बेनिफिट क्या होता है, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द आउटपुट ऑफ मोर पब्लिक गुड्स. सो नाउ इस बैकग्राउंड के तहत अब आपको एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के एक्सटर्नलिटीज वाले पार्ट को एक्सप्लेन करना है, जो बाह्य प्रभाव है, जिसको कि एनवायरमेंट को आप बाह्य प्रभाव के रूप में देखोगे, प्रदूषण को बाह्य प्रभाव के रूप में देखोगे. तो एक्सटर्नलिटीज को अगर बताना होगा तो दिस इज ए कॉस्ट और बेनिफिट अक्रूइंग टू ए थर्ड पार्टी एक्सटर्नल टू द ट्रांजेक्शन. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज किसे कहते हैं, टू लिटिल इज प्रोड्यूस्ड एंड डिमांड साइड मार्केट फेल्योर्स हो जाता है, कम प्रोड्यूस होता है और ज्यादा डिमांड होता है, क्योंकि आप जानते हैं भारत जैसे विकसित देशों में डिमांड बहुत ज्यादा है एजुकेशन का, लेकिन सप्लाई साइड कमजोर है. तो इसलिए ये एक्सटर्नलिटीज का प्रभाव पॉजिटिव माना जाएगा, लोगों को अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ हो जाता है सरकार की प्लानिंग से. व्हाट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, टू मच इज प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाई साइड मार्केट फ्लोस. तो नेगेटिव होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है और सप्लाई साइड कैसे फेल होता है, तो पॉल्यूशन हो जाता है या इस समय COVID-19 जैसा डिजीज आ जाता है, इससे पूरा मार्केट फेल हो जाता है. अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट होल इकोनॉमी पर पड़ता है. पॉल्यूशन कैसे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, बिकॉज दिस इज ए नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. इकोनॉमिक्स इलस्ट्रेट द सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद ए डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम. द सोशल कॉस्ट इंक्लूड द प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय द कंपनी एंड द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन दैट आर पास्ड ऑन द सोसाइटी. ओके देन हाउ टू इंटरवीन,
देयर गवर्नमेंट शुड इंटरवीन. कैसे इंटरवेंशन होता है? तो दिस इज थ्रू करेक्ट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. कैसे? तो डायरेक्ट कंट्रोल्स और बाय स्पेसिफिक टैक्सेस. करेक्ट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कैसे होता है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज थ्रू सब्सिडीज एंड गवर्नमेंटल प्रोविजन. आप देख रहे हैं कि इस समय जो कोविड 19 के डिजीज से एक्सटर्नल प्रभाव से पूरी इकोनॉमी हमारी इस समय बंद के कगार पर है, तो सरकार को गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ रहा है और 1,70,000 करोड़ रुपया जो सब्सिडी दिया जा रहा है दिस इज डायरेक्ट इंटरवेंशन. और वो सब्सिडी जो है एक्सटर्नल प्रभाव को इंटरवीन कर रहा है. इस तरह टैक्सेस के माध्यम से भी सरकार कलेक्शन के थ्रू अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो टैक्सेस के जरिए उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्स करते हैं, जिससे क्वांटिटी कम होता है और अल्टीमेटली प्रोडक्शन कम होने से पॉल्यूशन कम होता है. तो इस तरह इंटरवेंशन सरकारें करती हैं. अब इसको इस रूप में देखिए, इंटरवेंशन को देखिए. ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? आप देखिए पी एक्सिस यस अप्लाई नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से देखिए. अब आप इसको देख सकते हैं, दिस इज ओवर एलोकेशन और अल्टीमेटली दिस इज ए नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. और अगेन इसमें देखिए डिमांड सप्लाई, दिस इज ए क्वांटिटी कर्व. अगेन यस वन सिर्फ शिफ्ट होता है, टैक्सेशन लगता है. टैक्सेशन से क्वांटिटी देखिए Q2 से Q0 हो जाता है और इससे पॉल्यूशन कम होता है. तो दिस इज ए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जिसे ओवर एलोकेशन से ठीक किया जाता है, दिस इज ए एक्सटर्नलिटी विद टैक्स जिसे टैक्स से ठीक किया जाता है. तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से इस तरह के डायग्राम से आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, इंटरवेंशन कैसे होता है? तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज रिसोर्स एलोकेशन होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट एंड देयरफॉर ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. कैसे कट किया जाता है? प्राइवेट बार्गेनिंग से, लायबिलिटी रूल्स और लॉ सूट से, टैक्स ऑन प्रोड्यूसर से, डायरेक्ट कंट्रोल से, मार्केट फॉर एक्सटर्नलिटी राइट्स से. और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कैसे होता है? अंडर प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट एंड देयरफॉर अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से. कंट्रोल कैसे होता है? प्राइवेट बार्गेनिंग, सब्सिडी टू कंज्यूमर्स, सब्सिडी टू प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट प्रोविजन. तो इस समय जो पॉजिटिव जो एक्सटर्नलिटीज होता है, मतलब कि गरीबों को ज्यादा लाभ हो रहा है क्योंकि गरीबों के लिए सरकार सब्सिडाइज कर रही है. और बाद में जब यही रिवर्स होगा तो टैक्सेशन के थ्रू सरकार उसको रिवर्स वापस अपने खजाने को भरने में कामयाब होगी. तो गवर्नमेंट रोल क्या है? दिस इज कैन बी हैव बीन रोल इन करेक्शन एक्सटर्नलिटीज. ऑफिशियल्स मस्ट करेक्ट आइडेंटिफाई द एक्सिस्टेंस एंड कॉज एंड हैज टू बी डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स. तो व्हेन वी समराइज दिस वी कैन से दैट इकोनॉमिक प्रोडक्शन कैन कॉज एनवायरमेंटल डैमेज. द ट्रेड ऑफ अराइजेस फॉर ऑल कंट्रीज वेदर हाई इनकम और लो इनकम एंड वेदर देयर इकोनॉमिक्स आर मार्केट ओरिएंटेड और कमांड ओरिएंटेड. एज अर्लियर आई टोल्ड यू एंड एक्सटर्नलिटीज समटाइम्स कॉल्ड एज ए स्पिल ओवर ऑकर्स व्हेन एन एक्सचेंज बिटवीन बायर्स एंड सप्लायर हैज इम्पैक्ट ऑन थर्ड पार्टी. तो समरी यही है कि इसके आधार पर हम लोग मार्केट फेल को सोशल प्रोडक्ट को दिखाते हैं. तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट वी मे से दैट जो पर्यावरण का जो समस्या है, जो प्रदूषण का समस्या है, उस समस्या को हम गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के ग्राफ के जरिए बता सकते हैं और ये सिद्ध कर सकते हैं कि कहीं न कहीं से, चाहे वो रिच कंट्री हो चाहे पुअर कंट्री हो, प्रोडक्शन फंक्शन होना ही होना है. विकास के रास्ते पर देशों को चलना ही चलना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ना ही बढ़ना है. तो देयर विल बी सर्टेन मिनिमम डैमेज फॉर द एनवायरमेंटल एंड वी हैव टू करेक्ट इट थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड लर्न विथ और लर्न ऑनलाइन विथ द हेल्प ऑफ यूट्यूब प्रोवाइडेड टू यू बाई कॉलेज. थैंक यू.